शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ओम अमृतोपस्तरण मसी स्वाहा, ओम अमृता पिधान मसी स्वाहा, ओम सत्यम यशः क्षीर मैश्री श्रेताम स्वाहा, ओम अमृतोपस्तरण मसी स्वाहा, ओम अमृता पिधान मसी स्वाहा, ओम सत्यम यशः क्षीर मैश्री श्रेताम स्वाहा। ये तंत्रवाहन रुक क्यों गया, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? किसने साहस दिया नाथों के नाथ भैरवनाथ को रोकने का? किसने? प्रभु, हवन कुंड की सात्विक शक्ति से हमने भैरवनाथ के तंत्र चक्र को कुछ देर के लिए अवश्य रोक दिया, पर वो हार नहीं मानेगा प्रभु। वो किसी भी हाल में पृथ्वीलोक जाकर ही रहेगा। इस समस्या को जड़ से समाप्त करने का मार्ग बताइए प्रभु। तुलसी, इस समस्या का अंत वही छुपा है जहाँ से इस समस्या का आरंभ हुआ था। प्रभु, हम कुछ समझे नहीं। तुलसी, तुम्हें ऋषि संदीपनी के आश्रम उज्जैन जाना होगा जहाँ उस अवघट बालक की मृत्यु हुई थी। उज्जैन? प्रभु, उज्जैन तो यहाँ से बहुत दूर है। तुलसी, जब मन और शरीर एक हो जाते हैं तो अब सांसारिक दूरी अपने आप समाप्त हो जाती है। इसलिए तुम्हें स्वयं पर विश्वास करके अति शीघ्र उज्जैन की यात्रा करनी होगी। जो आज्ञा प्रभु, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आपकी भक्ति पर पूरा विश्वास है। हम किसी भी प्रकार से भैरवनाथ को यधन करने नहीं देंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि अपने इस प्रयास में हम सफल हों। आशीर्वाद दीजिए। एवमस्तु। अब तो हमारे लड्डू गोपाल का आशीर्वाद हमारे साथ है। अब इससे पहले कि वो भैरवनाथ मृतलोक पहुंचे, हमें उज्जैन गुरु सांदीपनी के आश्रम पहुंचना होगा। संसार की कोई शक्ति, कोई वादा मुझे नहीं रोक सकता, परंतु मुझे देखना होगा मुझे कि किसने किया दुस्साहस नाथों के नाथ भैरवनाथ को रोकने का। किसने? तुझे मंत्र शक्ति मेरी ही स्मशान भूमि से आ रही है। इस मंत्र शक्ति को तो अभी खंडित कर दूंगा मैं, अभी। ओम चामुंडाय, ओम चामुंडाय स्वाहा, ओम चामुंडाय स्वाहा, ओम चामुंडाय स्वाहा। चलो तंत्रवाहन। मैं जानता हूं कि मुझे रोकने का प्रयास उस तुलसी ने किया होगा। बस एक बार वो अवगढ़ बालक मेरी मुट्ठी में आ जाए, फिर ना तुलसी बचेगी और ना ही कोई और सात्विक शक्ति। लड्डू गोपाल, हमें राह दीजिए, हमें शक्ति दीजिए धर्म के मार्ग पर चलने के। लड्डू गोपाल, संसार में लोग मुझे पाने के लिए जा, ताप और साधना करते हैं, पर मानवता और धर्म की सेवा करना मेरी सबसे बड़ी भक्ति है।
आज तुलसी अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेरी वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति कर रही है। नहीं, हम रुक नहीं सकते। हमें अपने जीवन के अंतिम सांस तक चलना होगा। हमें सुगंधा दीदी और संसार पर आए हुए इस संकट को रोकना ही होगा। क्या कह रहे हैं आप? मेरी पत्नी डायन नहीं है। अरे रामा, हरे कृष्णा, तो तुम दोनों यहाँ अकेले क्यों आए हो? तुलसी कहाँ है? देखिए, हमें तुलसी ने ही यहाँ भेजा है। वो भैरवनाथ की समस्या का हल खोजने गई है। समस्या वो तांत्रिक नहीं, समस्या तो तुम हो। तुम्हारी वजह से हमारी तुलसी पता नहीं किस संकट में फंस गई है। और तुम चाहते हो कि हम तुम्हें यहाँ शरण दें? कभी नहीं। हाँ हाँ, निकल लो यहाँ से। देखिए, हमें तुलसी ने बोला है कि जब तक वो नहीं आती, हम यहीं बैठ के लड्डू गोपाल के नाम का जाप करें। आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, पर अब हमें लड्डू गोपाल का जाप करने से कोई नहीं रोक सकता। हरे रामा, हरे कृष्णा। राम भुवन भैया, लगता है ये डायन हमारा सर्वनाश करके ही छोड़ेगी। मैं इसे यहाँ से निकालने का कोई ना कोई रास्ता तो खोजना ही होगा। तुमने पूरी श्रद्धा और भक्ति से अपने धर्म का पालन किया। अब समय आ गया है मेरे कर्म करने का। अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल देने का। की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।